आइसक्रीम का कोई सीजन नहीं होता है और ना ही इसको पसंद करने वालों की कोई एज होती है। बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। वैसे ही सर्दी और गर्मी के मौसम में आइसक्रीम हमें बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन फल जो हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं गुआवा की आइसक्रीम, जो कि इस सीजन में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस रेसिपी के लिए मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा गुप्ता केजीस किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कैन से गुआवा की आइसक्रीम। जो बाज़ार में गुआवा मिलते हैं कैन वाले, उससे बनाने वाली हूँ, क्योंकि क्रेविंग तो हो गई आइसक्रीम खाने की गुआवा की, लेकिन अब जो है बाज़ार में मिल नहीं रहे थे, तो मैंने जो है गुआवा कैन वाले लिए हैं इस आइसक्रीम के लिए। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही रिच है, पिंक कलर के गुआवा हैं और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। एक कप जो है मैंने फुल फैट क्रीम डाल दी है, यानी जो व्हिपिंग क्रीम आती है ना वो इस्तेमाल की है मैंने इसके अंदर, और साथ में जो है ये सिरप इस्तेमाल किया है, जिसको गुआवा के साथ में जो है डाला जाता है कैन के अंदर। ये मीठा होता है और इसके अंदर गुआवा का नेचुरल टेस्ट भी होता है, तो वो मैंने इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप शक्कर के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है मैंने आधा कप दूध डाला है और साथ में 3 स्पून जितना, यानी 3 चम्मच जितना पीसी हुई शक्कर डाली है। 1 पिन जितना मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर डाला है और एक बार मिक्सी के जार के अंदर चला के ये आइसक्रीम हम जो है बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर कितना थिक बन के तैयार हुआ है आइसक्रीम का। इसको हम एयरटाइट कंटेनर में निकाल देंगे आइसक्रीम के मिश्रण को, और यहाँ पर जो है मैंने 2 पीस गुआवा के निकाल के अलग रख दिए थे, ताकि जो है बीच में मुँह में आए ना गुआवा के पीसेज, वैसे इसको काट के मैं डालने वाली हूँ आइसक्रीम के अंदर, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह हम डालते हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के अंदर। ये बिल्कुल अप्सरा स्टाइल में जैसी मिलती है आइसक्रीम, मुंबई में फेमस है, वैसी ही आइसक्रीम बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर जो है इसके बीज हमें अलग करके निकाल देने हैं और साथ में जो है गुआवा के पीसेस को चॉप करके इस तरीके से आइसक्रीम के अंदर मिक्स कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसको 1 घंटे के लिए ढक्कन लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने रख देंगे। जब 1 से 2 घंटे हो जाएंगे और आइसक्रीम जो है सेमी सेट हो जाएगी, यानी थोड़ी सेट होगी और थोड़ा इसका मिश्रण जो है लिक्विडी होगा, तब एक बार हम इसको मिक्सी में चला के या फिर इस तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जब आइसक्रीम है हमारी वो बाद में काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होगी। अब एक बार मिश्रण को मिक्स करने के बाद में मैंने इसको ढक्कन लगा के 3-4 घंटे के लिए, जितना टाइम ये सेट होने के लिए लेती है उतनी देर हमें फ्रीज़र में रख देना है। आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है और अब आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। गुआवा की है तो सबको पसंद आती है, और साथ में जो है हम थोड़ा सा चिली पाउडर डाल के बिल्कुल अप्सरा स्टाइल में इसको सर्व करने वाले हैं। तो बनाइए ये इजी बीजी गुआवा की आइसक्रीम की रेसिपी, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिए।